application is bona fide or intended only to evade adjudication. 2. If the Speaker believes that the motion is well-founded, they may adjourn the proceedings under the 10th schedule till their decision of their removal is concluded. On the other hand, if they believe... Page 61 ko correction hai. If they believe that the motion is not as per the procedure contemplated under the Constitution... ये इस वक्त की एक बेहद अहम खबर दिल्ली सरकार के बाद अब ये महाराष्ट्र सरकार को लेकर के एक बेहद अहम फैसला अब सुप्रीम कोर्ट शिवसेना वर्सेस शिवसेना का ये लाई थी 16 विधायकों की योग्यता अयोग्यता का ये मामला और इस पर एक लंबी जिरह के बाद अब फैसला आखिरकार पड़ा जा रहा है चीफ जस्टिस की अगुवाई में 5 जजों की भी वही ये बेंच जिसने ये पूरे मामले की सुनवाई की है और अब जबकि 16 विधायकों की अयोग्यता को मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा था एक लंबी जिरह और सुनवाई ऐसे में शिवसेना की ही वो विधायक जो कभी उद्धव ठाकरे के साथ थे जो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे व्हिप जारी किया गया था कि उस बैठक में वो शामिल हों और उनकी गैर हाजिरी के बाद से ये विवाद आगे बढ़ा और अब जबकि 16 विधायकों की अयोग्यता जिसमें खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम शामिल है क्या इनकी एमएलए की कुर्सी रहेगी या चले जाएगी ये एक बड़ा सवाल था क्या महाराष्ट्र सरकार रहेगी या गिर जाएगी ऐसे तमाम सवालों के जवाब और अब इस फैसले में वो बहुत साफ होने जा रहा है कि आखिर कोर्ट ने क्या सही पाया है। दरअसल उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कई साथी बागी हुए एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बीजेपी के साथ दूसरी सरकार बनी और तब एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले 16 विधायकों को जो शिवसेना के विधायक थे उन्हें नोटिस जारी किया गया था कि क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द की जाए क्योंकि जिस बैठक को लेकर के उन्हें व्हिप जारी किया गया था उस बैठक में वो विधायक शामिल नहीं हुए थे। हालांकि ऐसे 40 विधायक हैं उद्धव ठाकरे के जो उनका साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी के साथ आए एक नई सरकार उन्होंने बनाई और फिर उसके बाद तो चुनाव आयोग ने ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना कह दिया है। अब ऐसे में जबकि ये पुराना मसला था जब शिवसेना के भीतर दरार पड़ी थी और महाराष्ट्र से मुंबई से होते हुए सूरत गुवाहाटी होते हुए 12 विधायक यहां से कम हो गए थे ये शुरुआती मामला था फिर 16 विधायकों को नोटिस दिया गया अमित पांडे हमारे सहयोगी अब जब इस पर फैसला सुनाया जा रहा है किस तरह के संकेत मिल रहे हैं क्या कहा जा रहा है सीजेआई की ओर से। देखिये चीफ जस्टिस अपना फैसला है वो सुनाना शुरू कर दिया और नबम रेबिया का एक जो मामला था उसको एक इस पूरे प्रकरण में एक बेंच एक जो बिंदु है उसको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया यानी कि एक बिंदु इस केस से जुड़ा हुआ बड़ी बेंच उसकी सुनवाई करेगी बाकी के जो मामले हैं उसकी व्याख्या कर रही है संविधान पीठ है और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इस पूरे मामले को पढ़ के यहां पर सुना रहे और यहां पर जो अहम चीज है कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हैविंग रिफर्ड टू द मैटर टू लार्जर बेंच नबम अरेबिया डिड नॉट स्ट्रिक्टली अराइज इन द केस एंड वी डिसाइडेड द मेरिट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस मतलब कि एक मेरिट के आधार पर ये पूरा केस यहां पर पढ़ा जा रहा है और एक बिंदु को लार्जर बेंच को रिफर किया गया है। अब कोर्ट ने अभी अपना फैसला सुनाते वक्त ये भी कहा कि ये चुने हुए विधायक आए थे और लिहाजा हम इनकी भी पूरी दलील सुन रहे हैं और एक एक बिंदुओं पर हम अलग अलग तरीके से इस पूरे चीज की हम व्याख्या करेंगे। जी